सही कहा है किसी ने, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। करना पड़ता है शंकर, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ एक ही भाषा समझती है, रुपया, रुपये की भाषा। तुमने अगर मेरा यह काम कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत। लेकिन ये तो बताइए कि टपकाना किसको है और उनके नाम? सुमित्रा और नायला जोशी। ढबराल साहब, आप अपनी बेटी और बीवी की सुपारी दे रहे ले मेरे को? तमाम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे? तुम अपने पैसे से मतलब रखो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी डबराल साहब, आप तो सिर्फ इतना बताइए ये काम कब करना है। बताऊंगा, सही वक्त और सही मौका आने पर बताऊंगा। बस एक बार मेरा वो काम हो जाए, उसके बाद तुम उन्हें ऊपर की हवा खिलाना। तब तक जरा उन्हें इस जमीन की हवा खाने दो। ठंडा हो जाएगा। मुझे भूख नहीं। खाओगी तो भूख लग जाएगी। खाओ। देखो स्वाति, इस तरह खुद को दुखी करकर हम दूसरों को कभी खुशी नहीं दे सकते। तो तुम ही बताओ श्लोक, अब मैं क्या करूं? भाई आज तक मैं उसी स्वाति को जानता था जो गम में भी मुस्कुराती थी। हाँ कभी कभी मुस्कुरा कर भी आदमी थक जाता है, क्यों? चलो अभी बहुत आराम हो गया, मुस्कुरा कर दिखाओ मुझे। खाना खाओ, वरना मैं अभी जाकर दादी से कहूंगा कि उनकी लाडली बहू भूख हड़ताल पर है। ऐसी बात नहीं है श्लोक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक इंसान को उसकी असली पहचान मिल जाए, इस घर को उसका उसका बेटा मिल जाए। चाहता हूँ तुम्हारा हर कदम इस परिवार की भलाई के लिए उठता, तुम इस परिवार को कभी दुखी नहीं देख सकती। और सोती, जिसने हमेशा इस परिवार की खुशियां चाहिए उसे मैं दुखी कैसे देख सकता हूं? मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। और तुम्हारी खुशी के लिए मैं डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हूं। तैयार हूं, तो फाइनली इस बात का पता चल जाएगा कि वो समीर भैया हैं या रणविजय का बेटा रणबीर। तुम, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? चलो बताओ क्या खबर है? सर खबर कोई अच्छी नहीं है, हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी मंशा की बेल नहीं हो पा रही है। सबके सब निकम्मे हो तुम लोग। सर आप परेशान मत होइए, मैंने दूसरे वकील से बात कर ली है। अब बातें करने से कुछ नहीं होगा बडोनी,
मुझे हर हाल में अपनी बच्ची की रिहाई चाहिए। न जाने किस हाल में होगी बेचारी। सर आप चिंता मत कीजिए, इस बार मंशा की बेल हो जाएगी। एक जमाना था बडोनी, जब शराबत के नाम से लोगों को रिहाई मिल जाया करती थी, और आज जबकि मैं खुद जेल में हूं तो कोई पूछने वाला नहीं। सर अपने और पराए की पहचान बुरे वक्त में होती है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज अपनी बच्ची को जेल के सलाखों के पीछे देखकर मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि मैंने अपने गुनाहों को कबूल करके अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आज अगर मैं सलाखों के पीछे ना होता तो किसी की क्या मजाल थी कि मेरी बच्ची को एक मिनट के लिए भी सलाखों के पीछे रख सकता। और वो डबराल, उसने पहले मेरी बच्ची का अबॉर्शन करवाया,